दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संता की बीवी प्रेग्नेंट थी। संता उसे अस्पताल ले गया। नर्स से बोला कि तुम मुझे डायरेक्ट मत बोलना कि क्या हुआ है, अगर लड़का हो तो कहना टमाटर हुआ है और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है। अब इत्तेफाक से लड़का लड़की दोनों जुड़वा हो गए। नर्स कन्फ्यूजन में बाहर आई और बोली, सर बधाई हो, सलाद हुआ है। एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई और बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वो वहाँ भी झाड़ू लगाने आ गई और बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया। तीन चार दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान। पांच दिन पति का फोन आया, मैं बाड़मेर में हूँ और सरकूं क्या। शराबी दरवाजे पे दस्तक देता है। उसकी बीवी दरवाजा खोलती है। शराबी बोला, कौन है आप? बीवी बोली, मुझे भूल गई। शराबी बोला, नशा हर गम को भुला देता है बहन। एक शराबी बार में शराब पीता हुआ रो रहा था। बार गर्ल बोली, सर क्यों रो रहे हैं? शराबी बोला, और क्या करूं, मैं जिस लड़की का नाम भूलना चाहता हूं उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। एक शराबी नशे में टुन होकर जा रहा था तो पीछे से एक रिक्शा वाला आया और उसने कहा, हट जाओ हट जाओ। शराबी हट गया और साइड पर एक घर के दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। वहाँ उसको नींद आ गई। सुबह घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो शराबी नीचे गिर गया और चिल्लाते हुए बोला, यार इतना तो साइड दिया था, फिर भी टक्कर क्यों मार दी? सेवक राम बोला, आज सुबह के अखबार में मुझे एक पैम्पलेट मिला, उसमें लिखा था क्या आप शराबी हैं, तुरंत हमें संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। गणपत बोला, तो क्या तुमने फ़ोन किया? सेवक राम बोला, हाँ मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ गई कि फ़ोन करो। गणपत बोला, फिर क्या हुआ? सेवक राम बोला, मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो एक शराब की दुकान का ऑफर था, दो बोतल के साथ एक बोतल फ्री। मेरे तो खुशी के आंसू निकल आए। एक आदमी ने अपनी सास पर गोली चला दी। उसकी सास ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। केस अदालत में पहुंचा तो जज ने उस आदमी से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम शराब पीते हो और तुमने यह हरकत शराब के नशे में की थी, इसी से तुम्हें सेवक लेना चाहिए कि शराब कितनी नामुराद चीज़ है। शराब की वजह से ही तुम आपे से बाहर हो गए। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपनी सास के लिए नफरत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास को मारने की नीयत से रिवॉल्वर खरीदी और शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास पर रिवॉल्वर तानी और घोड़ा दबाया, और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना चूका। एक शराबी की सोच, वैसे तो हम ज़्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं, अगर नाले में गिर भी जाए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर चाट भी ले तो हमें कौन सा पता चल जाता है यार। दो शराबी साथ में चले हुए थे। एक शराबी ने कहा, कितनी सुंदर रात है, जरा चांद को तो देखो। दूसरा शराबी रुका और अपने शराबी दोस्त को देखने लगा, रे तुम गलत बोल रहे हो, ये चांद नहीं सूरज है। दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी एक और शराबी वहाँ से जा रहा था। उन दोनों ने उसे रोका और कहा, सर क्या आप हमारी बहस का हल निकालेंगे? आप हमें बताएं कि जो चीज़ ऊपर आसमान पर चमक रही है वो क्या है, ये चांद है या सूरज? तीसरा शराबी आसमान की ओर देखने लगा। फिर उसने उन दोनों की ओर देखा और कहा, जी माफ़ कीजिए, मैं इस शहर में नया हूँ। पत्नी पति से बोली, देखो जी, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगी। पति ने खुश होकर कहा, क्या तुम मेरे साथ जाना इतना अच्छा लगता है?
पत्नी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बच्चा कुछ नहीं, सामान उठाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना।